हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट विद जोशी एंड आई एम योर मेंटर शिखा। आज हम क्रिएट करने वाले हैं बहुत ही एक मज़ेदार चीज़। हम अपने इस ज्योमेट्री बॉक्स को पर्सनलाइज इफ़ेक्ट देने वाले हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है, हम इसको बिल्कुल अपना पर्सनलाइज इफ़ेक्ट देने वाले हैं। कैसे हम अपने इस ज्योमेट्री बॉक्स के साथ करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। तो मटेरियल क्या है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें कोई भी अपना पुराना ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, हमें जेसो पेंट चाहिए। वो क्या होता है मैं आपको बताऊंगी साथ साथ। जेसो चाहिए, हमें कुछ एक्रेलिक कलर्स चाहिए, आप कोई भी कंपनी के एक्रेलिक कलर्स यूज़ कर सकते हो। ब्रशेस चाहिए, वाटर कंटेनर, एक पैलेट और एक रफ क्लॉथ, बस थोड़ी सी चीज़ें और एक बहुत मज़ेदार वीडियो हम क्रिएट करेंगे और एक बहुत मज़ेदार इफेक्ट देंगे हम अपने, पर्सनलाइज इफेक्ट देंगे हम अपने पेंसिल बॉक्स को, तो ज्योमेट्री बॉक्स को। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें अपने पेंसिल बॉक्स का जो सरफेस है उसको क्लीन रखना है, फर्स्ट स्टेप हमारा वो है। सेकंड हमें चाहिए ये जेसो पेंट। ये जेसो पेंट बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, आप अमेजोन से या किसी भी मार्केट से आप ले सकते हो, ये बहुत ईजिली अवेलेबल है इन द मार्केट। ये जेसो पेंट जो है ये किस लिए यूज होता है, ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे जिसपे हम एक्रेलिक कलर करने वाले हैं उससे पहले अगर हम करते हैं तो हमारे सरफेस पे कोटिंग कर देता है। तो उसके लिए हम ये जेसो यूज करेंगे। इसको यूज करना बहुत ही सिंपल है, जस्ट टेक आउट योर जेसो। मैंने ये जेसो लिया है और कोई भी एक ब्रश को थोड़ा सा वेट करेंगे पानी से और ये जेसो को अप्लाई कर देंगे। Check the mic and make sure it sound right, boys. मैं साइड्स को भी पेंट करूंगी इसकी थोड़ी सी, सो दैट वो पूरा इफेक्ट आए। आपका जैसे ही जैसो पेंट हो जाएगा हम उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी लीव इट टू ड्राई। तो जैसो हमारा ड्राई हो गया है तो इससे बेसिकली हमारे बॉक्स के ऊपर एक लेयर बन गई है विच विल बी ईजी फॉर अस टू पेंट नाउ। तो ड्राई होने के बाद आप कोई भी डिज़ाइन इस पे ड्रॉ कर सकते हो। मैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन ड्रॉ करने वाली हूँ। यहाँ एक बोट बना लेते हैं। बेसिक सी एक जो ड्राइंग है वो क्रिएट कर लिया मैंने, अब इसको हम कलर्स करेंगे। अब कलर्स आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर कर सकते हो। कलर पैलेट बहुत ज़रूरी है, पैलेट नहीं हो अगर आपके पास तो आप कोई भी प्लेट यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बेस कलर करेंगे, आई एम टेकिंग दिस वाइट कलर और मैं पिंच ऑफ ब्लू ले रही हूँ, बहुत ही पिंच ऑफ दिस ब्लू कलर जो मेरे पास अवेलेबल है और मैं इनको मिक्स कर दूंगी। तो मेरे स्काई के लिए बहुत ही एक लाइट ब्लू का शेड रेडी हो गया है। एंड डोंट फर्गेट टू पेंट द साइड्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि इट गिव्स अ कम्प्लीट लुक टू आर प्रोडक्ट। तो मैं उसके साइड्स में भी जो कलर मैंने स्काई में किया है मैं वो कर रही हूँ। आप चाहे तो नीचे एक न्यूज़पेपर रख सकते हो सो दैट आपका बॉटम ख़राब ना हो, क्योंकि ये एक्रेलिक पेंट्स हैं
और वो हटते नहीं है सरफेस से अगर आपने उसको उसी समय क्लीन नहीं किया तो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। Sound right, boys. नेक्स्ट लेयर में मैं ऐड कर रही हूँ पर्पल कलर। आप कोई भी अपनी पसंद के कलर्स ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद हो। आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। Sound white, boy. बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ड्राई करने के लिए छोड़ दें। ये मेरा चारों साइड से बॉक्स, कोई आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है। अपने ब्रशेस को बहुत अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स के बाद हमारे ब्रशेस क्लीन करने बहुत जरूरी हैं। और ये कुछ और सैम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। किसी भी ब्राइट कलर में आप इसको कलर कर सकते हो, बना सकते हो। तो यू कैन जस्ट क्रिएट देम। डू गिव इट अ ट्राई एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और भी कुछ अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं, सो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पेंट करना और अपना पर्सनलाइज ज्योमेट्री बॉक्स को बनाना। और जब आप ये बना लोगे तो प्लीज़ शेयर योर पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। और